नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नोएडा पुलिस ने मोबाइल फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। नोएडा पुलिस ने मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुराने फोन के पार्ट्स निकालकर नया फोन तैयार करने वाले मोबाइल फैक्ट्री का नोएडा पुलिस ने खुलासा किया। दिवाकर शर्मा नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आईफोन सहित तमाम ब्रांड के फोन बरामद किए गए। पुलिस ने 350 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसा मोबाइल गैंग पकड़ा है जो पुराने फोन के पार्ट्स निकालकर नया फोन तैयार कर रहे थे। नोएडा पुलिस ने मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दिवाकर शर्मा नामक एक आरोपी को भी नोएडा पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। नोएडा के सेक्टर 8 में चल रहे थे मोबाइल फैक्ट्री। मोबाइल फोन बनाने वाले लोग पहले SCL और डेल ऑथराइज सर्विस सेंटर चलाते थे। पुलिस ने 350 मोबाइल बरामद किए है। बरामद मोबाइल फोन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन्फोर्सेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से चला रहे थे मोबाइल फैक्ट्री। पिछले 5 साल से पुराने फोन को नया बनाकर बेचने का कारोबार कर रहे थे। 5 करोड़ से अधिक GST चोरी के भी सबूत मिले हैं। भोले वाले लोगों को बेचा करते थे फोन ऑनलाइन और ऑफलाइन फोन भी बेचा करते थे और उनके साथ ठगी किया करते थे। पुलिस द्वारा और भी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। ये 20 की टीम को एक इनपुट मिला था कि एक सेक्टर 8 में मोबाइल फोन्स बेचने का काम चल रहा है जिसका ना कोई बिल है ना इनवॉइस है और ये फेक रैकेट टाइप से नए मोबाइल्स को जो है वो बेच रहे थे। इस पर हमारी टीम ने रेड की। लगभग 350 मोबाइल जिसमें आईफोन्स भी हैं, जिसमें वन प्लस भी है, बरामद हुए हैं। एक व्यक्ति अरेस्ट किया गया है और एक अभियोग हमारे यहाँ सेक्टर 20 पुलिस स्टेशन में लिखाया गया है। ये बेसिकली इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि पुराने फ़ोन्स को लेकर के, जिनका कोई रिकॉर्ड अभी तक ये नहीं दे पाए हैं, और उसके पार्ट्स निकाल करके एक नया फ़ोन बनाते थे, उसको मार्केट में आधे से कम कीमत में बेचते थे। ये एक हमें जानकारी, गोपनीय जानकारी मिली थी, उस पर हमारी टीम ने जो है एक डेकॉय लगाया और उसके बाद इसको ट्रैक किया गया। अभी 2 लोग इनके और जो है वो साथी हैं। एक से जो है GST की टीम पूछताछ कर रही है, एक अभी एब्सकॉन्डिंग है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।